हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राइट विद सोल्जर, आपका अपना आर्मी भाई। हम अभी है एयरपोर्ट पे, बड़े मुश्किल से पहुंचे हैं इस बंदे की वजह से। अपना भाई अमेरिका जा रहा था। अमेरिका? हाँ, यस, आई एम गोइंग टू लास वेगास। शुक्रिया भाई, डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ने के लिए आया है। कहाँ से? मीरा रोड से यहाँ तक आने में हमको लग गया है कम से कम 1.5 से 2 घंटा। तो बहुत ट्रैफिक मिला, बट थैंक गॉड हम पहुँच गए। अभी 2.5 घंटा बाकी है मेरे फ्लाइट को। बट यू स्टे विथ मी एंड स्टे ट्यून, हम एक्सप्लोर करते करते जाएंगे, मज़े लेते जाएंगे फ्लाइट से, एंड देखते हैं क्या होता है आगे फ्लाइट में। सो प्लीज़ वॉच द फुल ब्लॉग and let's go to America. Time to check in now. Security check. Check in done. Okay, so the जाता हूँ पास। हर सर तिरंगा, हर घर तिरंगा। चलिए अगले लोकेशन पे चलते हैं। अगला काम है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में लगा दे ठप्पा और आगे बढ़ते हैं बप्पा। वाह। ओके, फर्स्ट इंसिडेंस एट द एयरपोर्ट। मेरे दो बैग बड़े बड़े चेक इन किए हैं, जिसमें से एक बैग में था 26 किलो, एक बैग में था 20 किलो। तो मुझे दूसरे बैग से खाली करके 2 kg लगेज दूसरे बैग में शिफ्ट करना पड़ा, तब जाके दोनों में 23-23 किलो हुआ और उन्होंने अलाउ किया। डज इट मेक सेंस? आई डोंट थिंक सो दैट इट मेक सेंस, बट यस, व्हाटएवर। नाउ इट्स टाइम फॉर इमिग्रेशन, उसके बाद में हम लोग ऑफिशियली इंडिया से बाहर। नाउ वी आर एट द शॉप हियर। जो भी आपको खरीदना है खरीद सकते हो। क्या खरीदना बताओ? मुझे बताओ, यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स है, समझ में नहीं आता कौन खरीदेगा भाई। अब बाहर जा रहे हो सकता है स्टाइल मारने के लिए खरीद भी सकता कोई। चलो अब अपने हमारे गेट पे चलते हैं, वी आर ऑलरेडी लेट। बाहर में हो रही है बारिश, कैन सी दैट, एंड दिस इज प्रीमियम लाउंज वेयर वी एंजॉयिंग द फूड। खाने में बहुत कुछ है, बट फीलिंग सो मच। इंडिया से बाहर जाने से पहले मैं सोच रहा था कि इंडिया का कुछ स्पेशल खाना खाया जाए। सो स्पेशल है ये, एंड दैट्स चिकन समथिंग, पता नहीं कौन सा चिकन है, रोटी एंड पापड़। क्यों? क्योंकि ये US में नहीं मिलेगा। लेट मी हैव सम फूड। बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं और भी कुछ खाएंगे फ्रॉम देयर। थैंक यू सर, लेट्स हैव सम फूड एंड देन गो टूवर्ड्स योर डिपार्चर गेट, फिर फ्लाइट के मजे लेंगे। चलिए जी, हो गई है चाय वाय सब कुछ, इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम हियर। Personally hate traveling in the night. हल्की हल्की बारिश हुई है यहाँ पे और so far it's gonna be 19 hours का फ्लाइट, 19 hours सीट पर बैठे बैठे
लगने वाले हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आयरन बट का चैंपियनशिप करने वाला हूँ मैं 19 आवर्स में। बट थैंक गॉड इट्स कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टरडैम। यहाँ से हम सीधा एम्स्टरडैम जाएंगे, एम्स्टरडैम से सीधा लास वेगास। और लंबा फ्लाइट है बट यस इट्स गोना बी गुड। सो स्टे ट्यून, स्टे विथ मी, बताता रहूँगा मैं आपको आगे क्या क्या होने वाला है। सो बढ़ते आगे, देखते हैं। एम्स्टरडैम में आपका स्वागत है दोस्तों। राइट नाउ वी आर इन एम्स्टरडैम एंड यहाँ से हम जाएंगे लास वेगास। अभी वी गोइंग टू द ट्रांसफर्स, यहाँ से और एक फ्लाइट पकड़नी है। लेट्स गो देयर। देखा सारे केलम ही खड़े यहाँ पे, डच एयरलाइन। थोड़ी सी गर्मी है इधर बट लेट्स गो and have some fun. Go to another flight. System थोड़ा अलग है यार यहाँ पे, it's too different. सामान के लिए बाहर लोग वेट कर रहे हैं, they'll have to wait, they'll have to get the card and then their luggage will come down. यहाँ पे now we're going to check in and go to the connecting gates. Through the check now. How the check happens? Like this. Everybody needs to stand in front of the X-ray and then they'll search you. Then you go out. Since we are in the security business, security is doing very well here. G4S is a private contractor for this airport, Amsterdam. G4S, tumhara hai boss. Paisa hi paisa hoga. Jio walon ne pel diya hai. ऐसे पहला है मतलब इनका पैक एक्टिवेट करवाया था मैंने लाइक 3500 समथिंग का, और अभी तक ये एक्टिवेट हुआ नहीं है। जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइक डेटा और कॉल्स, उसका मुझे दबा के पेल रहे लोग चार्जेस। बट अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट बिकॉज स्टिल इट्स शोइंग माई इंडिया प्लान इज एक्टिव। लेट मी डू समथिंग अबाउट दिस एंड देन वी गो इन हियर। गेट D3 से हमारी फ्लाइट है फ्रॉम एम्स्टरडैम टू लास वेगास। और एम्स्टरडैम एयरपोर्ट की खासियत बता दूँ, ये नॉन स्मोकिंग एयरपोर्ट है, सो यहाँ पर कोई भी स्मोकिंग जोन नहीं है। इफ़ यू आर अ स्मोकर देन डोंट कम हियर, गो समवेयर एल्स। आई एम हैप्पी टू बी हियर। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है। एम्स्टरडैम जो नीदरलैंड की कैपिटल है उसके एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा बट इट्स टू कंजेस्टिव यार, मतलब इतना बड़ा नहीं है। ऑल डच पीपल आर हियर। अच्छा है, इट्स गुड। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 9 o'clock, 10:30 इज माई चेक इन टाइम। सो तब तक के एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। लेट्स गो देन। हेलो मैम। गुड, हाउ आर यू डूइंग? नो आई एम फाइन, आई नो दैट, थैंक यू। टाइम हुआ है 5 o'clock की यहाँ पे, और मुंबई में टाइम हुआ है 10:30। सो बेसिकली मेरे फोन में वाईफाई आ रहा है। इतनी खुशी मुझे। आई कैन चैट फ्रॉम हियर। देखो अभी अंजला को बाइक लेनी है तो मुझे फ्लाइट में पूछ रहा है ये बाइक लेना है सर कैसे करूं, घर वाले मना कर रहे हैं लाइक नॉट गुड फॉर फैमिली। ओ ओके ओके,
जा गया। देखा फ्लाइट में भी चल रहा है अभी। ये देखो अभी भी हम आर्टिक समुद्र के ऊपर ही है और मैं सबके साथ चैटिंग कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को सब्र नहीं है, कितनी नींद में दिख रहे हो। देखो उसको फोटो वोटो भेजा ना, थोड़ा सा सेंटी हो गई बेचारी, कितने नींद में दिख रहे हो। मैं भी जानू जी उसे करके भेजा। यस मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती है, सो सोता नहीं हूँ यार फ्लाइट में, और काफ़ी टाइम हो गया। अभी देखो सो जा बोल रही हूँ मगर मोबाइल देखना है। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कोई नहीं अभी और थ्री आवर्स 58 मिनट का फ्लाइट बाकी है। सब लोग आराम कर रहे हैं, मैं और एक मूवी देखूंगा फिर शायद से हम लोग पहुंच जाए। लेट्स गो, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट। ये है भाई अपना इलाका, एक्चुअली फुल ऑन ऑफ रोडिंग है, पहाड़ वाला एरिया। हम अभी सेंट जॉर्ज सिटी के ऊपर से जा रहे हैं। सिटी इज सेंट जॉर्ज राजस्थान लास वेगास। नेक्स्ट स्टेशन लास वेगास। दरवाजे मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। पच्चीस तीस घंटे की फ्लाइट भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। आपको बताओ एक खास बात, 25-30 घंटे की फ्लाइट में मैंने क्या किया। मैंने दिया था पिलो एंड ऑल, मैं तो ये पिलो शॉल और सब रख करके उसके ऊपर बैठ गया। क्या करे भाई, भी छोड़ा था कर रहा था। कम से कम 2-3 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल लिए हम लोग, और भी लग रहा है आगे में बहुत दूर तक है। अभी बड़ा है एयरपोर्ट, सुसु हमने कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन और उसके बाद में होगा कस्टम क्लियरेंस। लास वेगास में आपका स्वागत है। अभी हम बाहर जाएंगे, टैक्सी बुक करेंगे एंड देन गो टू होटल। अभी हम लोग पार्किंग लॉट में देख रहे हो, यहाँ पर मतलब लैक्सस, फोर्ड और जीएमसी ये सब तो कॉमन है। रेंज रोवर का ये अपना रेंज रोवर तो बच्चा गाड़ी लग रहा है यहाँ पे। गुड यार, राम अपने जा रहे ऊबर लेने के लिए। सॉरी, दैट्स ओके। ये है हमारी सबर्बन, मैं सोचा था वो वाली है नया वाला बड़ा वाला, बट ये भी बड़ा ही भाई। इंडिया पीपल। ओह नाइस, सो आई एम विद मिस्टर जॉनी। Mr. John is from Vietnam. He is driving full time this Uber services in India. I mean, in Las Vegas here, and he's got this. This is your own vehicle. Woo! ये गाड़ी इंडिया में नहीं मिलती है भाई, तुम कितना भी कुछ भी कर लो ये गाड़ी इंडिया में नहीं मिलती है। Which model is this? Chevrolet. Suburban. Suburban. Chevrolet का Suburban इंडिया में नहीं मिलेगा, तुम घोड़े दौड़ा लो अपने। हाँ अंबानी उम्बानी होगा तो फिर बात अलग है भाई, बट अपनी जैसे बंबानी को कुछ नहीं मिलने वाला है। हंसो मत, हंसने की बात नहीं है। लवली रोड्स, लवली कार, लवली प्लेस, लवली वेदर। इट्स हॉट, इट्स हॉट, इट्स रियली हॉट टुडे हियर। 110 डिग्री फारेनहाइट। सो इंडिया का कुछ 40-42 डिग्री सेल्सियस आई गेस। 40 डिग्री सेल्सियस इज लाइक नथिंग फॉर अस, नथिंग फॉर अस। Yeah, we guys are like, you know, 50 degrees Celsius. Yes, yeah. Then we say like, okay, now it's hot.
By the ticket. Yeah. Okay. जाएंगे उसमें भी जाएंगे हम लोग. What are things to do here? The good things. The good thing. What you want for the good thing for you? Gambling is not my baby. No, that's a gambling regular. Okay, the good thing in here, nothing. The good thing. Good thing. I give for I put a lot that your people go go for the good thing. Only the girl. No, the guy. I put a lot. You know, they want the white girl. Maybe know? The guy will go, but I'm a married man and with like two beautiful kids. They marry a man, not married a man. Your people want over here. They want me to put for them like the white girl. You know, they love the white girl. Guys, I got one point from Mr. Johnny that if you have money and you want honey, it is legal here. It is legal. You call. They'll come, you go, do whatever you want to do. Pyari samajh gayi. That's how it is here. But like, if you are married, don't do it, Baba. Don't do it. Baba, kitna lamba gaadi hai, bhai. Yahan par ladki ko dekho, kaise dikh rahe ho. Full itna lamba gaadi. बस भाई यहाँ पर तो सारा जुए का अड्डा बना के रखा है. लेट मी गो टू द रूम एंड शो इट टू यू एंड यू गोना एंड दिस ब्लॉग टुडे.